नमस्कार दोस्तों दोस्तों टेक इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। मैं आपके लिए चार ऐसे ऐप लेकर आया हूं जो आपकी जिंदगी को आसान कर देंगे और जो आपके लिए बहुत मजेदार हैं, बहुत काम के हैं। दोस्तों आप रात को म्यूजिक देख रहे हैं, अपने फोन में कोई भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो प्ले कर रहे हैं और आपका वाईफाई ऑन है और या आपका ब्लूटूथ ऑन है या आपके गाने आप म्यूजिक सुन रहे हैं और म्यूजिक पूरी रात ऑन रहते हैं, उससे क्या होगा कि आपका डाटा तो खर्च होगा ही, इसके साथ में आपके फोन की बैटरी भी यूज करेगा आपका फोन। बट आप सो गए तो आपको तो पता ही नहीं, आपको तो सुबह आंख खुली तो आपने देखा ये क्या भाई, मेरी बैटरी तो पूरी खत्म हो गई। पर आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके बिहाफ पर उन सबको क्लोज कर देगा, आपके वाईफाई को बंद कर देगा, आपकी जो म्यूजिक है उसको बंद कर देगा, ब्लूटूथ को ऑफ कर देगा, आपके फोन को लॉक लगा देगा, स्क्रीन लॉक कर देगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उनके बारे में कि क्या है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत मस्त होने वाली है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अभी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, अपने फोन का लॉक ओपन करते हैं। ये मैंने अपने फोन का लॉक ओपन कर लिया। जो सबसे पहला ऐप मैं आपको बताऊंगा वो है स्लीप टाइमर। इस ऐप को अभी ओपन कर लेते हैं और फिर देखते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे काम करता है ये। इन सब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मैंने इस ऐप को ओपन कर लिया। ये इसका फर्स्ट इंटरफेस है जो आपको दिखाई देगा। यहां से सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है और इसकी सेटिंग कर लेनी है। ये यहां से मैं सेटिंग में गया, सेटिंग में जा रहा हूं। ये मैंने सेटिंग पे क्लिक किया। आपको स्लीप एक्शन की आपके सोने के बाद ये किस किस चीज को बंद करे, आप यहां से इस पर क्लिक कीजिए और आप इन सब को ऑन कर लीजिए। जैसे टर्न ऑफ वाईफाई, वाईफाई को बंद करना है, ब्लूटूथ को ऑफ करना है, म्यूजिक को बंद करना है और आपके फोन की स्क्रीन को बंद करना है। इन सब को ऑन कर लीजिए, यहां से ऑफ होंगे आपके फोन में क्योंकि ये मैंने ऑन किए हुए हैं। अब यहां से बैक जाते हैं। उसके बाद आप टाइम सेटिंग कर सकते हैं, टाइमर की सेटिंग कि आपको सेट बाय मिनट करना है या सेट बाय टाइम। आप टाइम भी कर सकते हैं कि 1 PM पे बंद होना है, 2 PM पे बंद होना है, 3 PM पे या 4:30 मिनट पे बंद होना है, 4:30 मिनट पे। तो जैसे भी आप लगाना चाहिए लगा सकते हैं। जैसे मैंने सेट बाय मिनट किया हुआ है तो मैं आपको अभी इसको मिनट पे करके दिखाता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे फोन में वाईफाई ऑन है, मैं इसमें अभी ब्लूटूथ भी ऑन कर लेता हूं। ये मैंने ब्लूटूथ को भी ऑन कर लिया। अब देखते हैं, अब देखिए ये ब्लूटूथ ऑन है और वाईफाई ऑन है, तो मैं इसको 1 मिनट पे अभी लगा के देता हूं। आप इसमें जितना भी मिनट करना चाहें, 1000 मिनट, 2000 मिनट, जितने भी मिनट का भरना चाहें आप यहां से माइनस और प्लस कर सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है कि आपको कितना लगाना है। जैसे मैं 1 मिनट पे स्टार्ट इसको करता हूं, स्टार्ट मैंने किया, ये 1 मिनट हो गया। जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट होगा तो आप देखेंगे कि मेरा ब्लूटूथ और वाईफाई बंद हो जाएगा और मेरा जो फोन की स्क्रीन है वो लॉक हो जाएगी ऑटो प्रोसेस में। तो ये आपके बिहाफ पर आपके फोन की केयर करेगा, आपके फोन के डाटा को बचाएगा प्लस आपके फोन की बैटरी को भी सेव करेगा। तो कितना मस्त है। तो चलिए दोस्तों जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट होगा आप देखेंगे कि साथ के साथ ही अपना वर्क कर देगा और जो बाकी के तीनों ऐप हैं वो भी मस्त हैं। आप जरूर देखिए इस वीडियो को लास्ट तक। ये जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट करेगा आप देखेंगे, ये अभी लाइव चल रहा है इसलिए मैं बिल्कुल इसको कटिंग नहीं कर रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि इसमें कुछ भी झूठा नहीं है, लोचा नहीं है कुछ भी। ये 1 मिनट कंप्लीट हो रहा है, ये कंप्लीट हुआ लॉक, ये लॉक हो गया। अब इसको शुरू करते हैं। ये देखिए मेरे फोन में जो वाईफाई ऑन था वाईफाई बंद हो गया और ये जो जियो फोन है मेरे फोन में उसका नेट चल गया और यहाँ से आप ब्लूटूथ देखेंगे वो भी ऑफ हो गया। मैं लॉक ओपन करके आपको दिखाता हूँ, मैं नीचे से ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए ये दोनों को दोनों ऑफ है। अब मैं दोबारा से वाईफाई ऑन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। तो दोस्तों आपको ये ऐप कैसा लगा आप हमें ज़रूर मैसेज करके बताइए। चलते हैं अपने दूसरे ऐप के ऊपर, ये है वॉलपेपर चेंजर। इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों इस ऐप में आप जितने भी वॉलपेपर लगाना चाहें सेलेक्ट करना चाहें, 1000, 2000, 10 लाख, जितने भी वॉलपेपर सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं।
और आप अगर मिनट में लगाना चाहे, टाइम के अकॉर्डिंग लगाना चाहे कि आपका एक मिनट के बाद वॉलपेपर चेंज हो जाए, तो ऑटो प्रोसेस में चेंज होएगा। आप यहाँ पर जितना भी टाइम करना चाहें, एक मिनट, दस मिनट, बीस मिनट, तीस मिनट, आप लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो, जैसे ही आप अपने फ़ोन की लॉक ओपन करें, आपका वॉलपेपर चेंज हो जाए, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप चेंज वॉलपेपर चाहते हैं कि जैसे आप स्क्रीन के ऊपर डबल टैप करें आपका वॉलपेपर चेंज हो जाए, तो हो जाएगा। आप यहां से भी इसको क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप डबल टैप करेंगे आपका वॉलपेपर चेंज हो जाएगा साथ के साथ ही। आप यहां से अपनी इन सेटिंग को अनेबल कर सकते हैं और एल्बम में जाकर आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस प्लस के निशान पर क्लिक करके कि आपको कितने इमेज सेलेक्ट करने हैं। तो दोस्तों आप ऐसे इसे कर सकते हैं और मस्त इंजॉय कर सकते हैं, अपने हर टाइम अपना वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। इसमें आप वन टाइम में पूरा फोल्डर सेलेक्ट करते हैं, पूरे फोल्डर को लगा सकते हैं, वो आपके बिहाफ पर है कि आप जैसे करना चाहें। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको बैक कर लेता हूं। आप इस ऐप को भी आप हमें जरूर बताना कि आपको ऐप हमारा कैसा लगा। अब बात करते हैं थर्ड ऐप की। वो एक गेम का ऐप है, किकबॉल, पर मैं मानता हूं कि आपको इसके एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। यह ऐप है किकबॉल, मैं इसको ओपन कर लेता हूं। दोस्तों इसमें ऐसे होगा, ये अभी वन प्लेयर खेल रहा है, एक कंप्यूटर और सेकंड पर्सन है। जैसे ही नीचे टिक करेगा तो कंप्यूटर जो है उसका एक गोल हो गया। यहाँ पर जैसे मैं ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा एक गोल हो जाएगा। आप इसमें टू पर्सन को भी खिला सकते हैं, जैसे गोल होएगा ये ऐसे। आप इसको बैक कैमरे से भी ओपन खेल सकते हैं और फ्रंट कैमरे से भी। अब जैसे मैं बैक कैमरे से इसको, ये मेरी उंगली को पीछे से डिटेक्ट करेगा और जैसे मैं उंगली इस पर चलाऊंगा ये ऊपर नीचे आएगी, ऊपर टच हुआ मेरा गोल हो गया। तो आप ऐसे इसको खेल सकते हैं। ये बहुत मस्त ऐप है दोस्तों, आप इसको भी एक बार जरूर आपको ट्राई करना चाहिए। और जैसे ही आप लेवल अचीव करते जाएंगे तो ये और टफ होती जाएगी गेम। बहुत मस्त है, आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें, मैं तो यही चाहूंगा। अब चलते हैं अपने सबसे लास्ट ऐप के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है आपके लिए, टाइमर कैमरा। दोस्तों कई बार कुछ ऐसा होता है कि हम किसी की इमेज लेना चाहते हैं या वीडियो बनाना चाहते हैं, बट हम उसके सामने या तो ना तो उसकी फोटो ले सकते हैं और ना ही वीडियो शूट कर सकते हैं, बट ये कैमरा आपके बिहाफ पर ऐसा कर सकता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपने फोन में टाइमर लगाना होगा। जैसे आपको पता है कि वो व्यक्ति आपके कमरे में रूम में 4 PM पे आएगा, तो आप इस कैमरे को 4 PM पे सेलेक्ट कर दो। अगर आप उसकी इमेज लेनी है या वीडियो बनानी है तो ये आपके बिहाफ पर उसको सेट करके आप रख दो, ये आपके बिहाफ पर नेट 4 पे ऑन हो जाएगा और आपके बिहाफ पर उसकी इमेज ले लेगा। अगर आप वीडियो बनाना चाहें तो वीडियो बना देगा। तो चलिए दोस्तों इसको आपको शुरू करके दिखाते हैं कि ये काम कैसे करता है। मैं इस ऐप को अपने ओपन कर लेता हूं। ये इसका इंटरफेस है, यहां से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं और यहां से आप, जैसे इमेज पे मैंने सेलेक्ट किया, आप यहां से वीडियो पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो पे हो गया, मैं दोबारा से इमेज पे कर लेता हूं, इमेज पे हो गया। आप यहां से इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि आपको क्या सेटिंग करनी है, फेस डिटेक्ट करना है या नहीं करना है, आपको टाइमर कितनी देर में इसने फोटो क्लिक करना है या वीडियो शूट करना है, जैसे कि 10 सेकंड के बाद शुरू हो जाना है ऑन होते ही या 20 सेकंड या 1 मिनट, आप यहां से टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं बैक। आप फोटो की सेटिंग कर सकते हैं, वीडियो की सेटिंग कर सकते हैं, लोकेशन सेटिंग कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। अभी आपको दिखाते हैं, जैसे ये मैंने इमेज पे सिलेक्ट किया हुआ है, इमेज पे, और यहां से मैं इसको टाइमर दूंगा। ये जो घड़ी का निशान आप देख रहे हैं यहां पर टाइमर दूंगा, तो मैं इसको टाइम सिलेक्ट कर लेता हूं। अभी देखिए दोस्तों, जैसे कि मेरे फोन में 7:34 हुआ है, तो मैं इसको 7:35 पे सिलेक्ट कर लेता हूं और फिर आपको दिखाता हूं 7:35 AM। ओके, इसने लगा दिया। अब आप देखिएगा, जैसे ही 7:35 होगा ये कैमरे को ऑन कर देगा और आपके बिहाफ पर फोटो ले लेगा। जैसे 7:35 हो गया, देखिए 10 सेकंड क्लिक करेगा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, और जैसे ही कंप्लीट होगा फोटो ली और आपके गैलरी में सेंड कर दी और उसके बाद फोन लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस ऐप से जिसकी भी इमेज लेना चाहें ले सकते हैं, आप अपने बिहाफ पर जो भी करना चाहें कर सकते हैं। ये बहुत मस्त ऐप है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताना, और इन चारों में से
आपको सबसे अच्छा ऐप कौन सा लगा आप ये भी हमें मैसेज कर जरूर बताना। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल आइकॉन है आप उसको भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।